अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं Realme 10 Pro के बारे में। अभी स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो पाकिस्तान की मार्केट में और इंडिया की मार्केट में क्या होने वाली है और क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली है। लेकिन स्पेसिफिकेशंस बताने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि यार ये अपनी प्राइस रेंज के अंदर सर्टिफाई करता है और बहुत ही ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, स्मार्टफोन के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर लेटेस्ट आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज से। तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। अब इसका डिस्प्ले हमें काफी हद तक आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसमें जो हमें डिस्प्ले टाइप देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है सुपर अमोलेड डिस्प्ले। जी हां दोस्तों, सुपर अमोलेड डिस्प्ले की अवेलेबिलिटी। अब इस स्मार्टफोन में जो सबसे हाइलाइटिंग फीचर देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है कि इसमें हमें सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। बहुत ही तबाही का आपको डिस्प्ले टाइप देखने को मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं रेजोल्यूशन साइज की तो इसमें आपको 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन साइज देखने को मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाइज की, ये ना सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज बल्कि कैमरा वाइज भी बहुत ही तबाही देखने को मिलेगा। सीरियसली बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है और खास चीज इसमें यही है कि इसमें आपको चिपसेट बहुत ही पावर का देखने को मिलेगा जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G का देखने को मिलता है जो काफी पावर वाला देखने को मिल रहा है। अब यहां पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको आर्किटेक्चर 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। 8 नैनोमीटर की बेस पर इसका आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। अब यहां पर जितने स्मार्टफोन में नैनोमीटर कम होंगे उतनी ही परफॉर्मेंस इन्हें हैंडसम होगी। तो इसमें आपको 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अगर देखें तो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको हाई लेवल्स के गेम आप इजिली खेल पाएंगे, जैसे कि पबजी वगैरह इस तरह गेम को आप इजीली इस स्मार्टफोन में खेल पाएंगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह की आप गेमिंग पावर लेना चाहते हैं तो उस तरह की आपको इसमें गेमिंग पावर देखने को मिलेगी। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं गेमिंग पावर को एनहांस करने के लिए ग्राफिक्स की यानी जीपीयू की, तो इसमें आपको ड्रेनो का 618 देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, काफी हद तक आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि हमें जो एड्रिनो का बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन आज हमें जो 618 का देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। सीरियसली बहुत ही तबाही का देखने को मिल रहा है। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं सीपीयू की, जिसमें आपको ऑक्टा कोर का सीपीयू देखने को मिलेगा। अब इस स्मार्टफोन की हम बात करेंगे कैमरे वाइज की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आपको जो कैमरे वाइज देखने को मिलेगा बहुत ही तबाही देखने को मिलेगा और इसमें हमें क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, 4 कैमरे देखने को मिलेंगे जो कि मेन सेंसर आपको 108 MP का देखने को मिलेगा और सेकंड आपको 8 MP का देखने को मिलेगा और थर्ड आपको 2 MP का देखने को मिलेगा और लास्ट आपको 2 MP का देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो सेल्फी शूटर की बात की जाए तो स्मार्टफोन में आपको 16 MP का देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरा। और साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन की प्राइस की, तो पाकिस्तान के मार्केट के अंदर इस स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्टेड होने वाली है वो होने जा रही है 50,000 और इसके अराउंड ही आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अब यहां पर इंडिया की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन आपको 30 से 25,000, मतलब 25 से 30,000 के अराउंड ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो यही है कि इसके आपको 25,000 देखने को मिलेगी। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन के वेरियंट की, तो इसमें आपको एक सिंगल वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 8 GB रैम के साथ 128 GB मेमोरी देखने को मिलेगी। अब इस स्मार्टफोन में आप माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और साथ में 4500mAh बैटरी सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ में फास्ट चार्जिंग की वाट की बात की जाए तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का अभी बताया नहीं कितने वाट का आपको चार्जर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही लीक हो जाएगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अब यहां पर दोस्तों ये स्मार्टफोन की बहुत तबाही की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है और अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला स्मार्टफोन बनेगा। और मार्केट में अगर पाकिस्तान में, तो आपको मैंने बता दिया इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट है वो तकरीबन आपको फरवरी में यह स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा और इंडिया की बात की जाए तो यही स्मार्टफोन आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन की बहुत अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिली है आपको और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।